अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ मॉडल लेक्चर इन विच वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल स्पीशीज टू केमिकल कैलकुलेशंस। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को बेसिक हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें बुनियादी हैं और क्या नहीं हैं। जैसे अब केमिकल स्पीशीज हम लोगों ने इससे पहले वाला जो चैप्टर है हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। केमिकल स्पीशीज से ऑनवर्ड हम लोगों ने बच्चों स्टडी करना है। अच्छा, केमिकल स्पीशीज में डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी जो हम लोगों ने आके स्टडी करनी है। उसमें कैटाइंस की बात करेंगे हम, एनाइंस की बात करेंगे, फ्री रेडिकल को देखेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या है, उसके आगे फिर बेसिक टाइप्स वगैरह क्या हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब केमिकल स्पीशीज में हम बात करते हैं आयंस की। सबसे पहले हम आयंस को देखेंगे। आयंस क्या हैं? आयंस में हम कहते हैं कि कोई ना कोई चार्ज होगा उसके ऊपर, कोई भी ऐसा एटम, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज हो उसके में हम बात करेंगे कि वो आयन कहलाएगा। जैसे वो कैटाइन भी हो सकता है, वो एनाइन भी हो सकता है। कैटाइन अगर होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कैटाइन की फॉर्म में होगा। अगर आपके पास किसी भी एटम के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो वो एनाइन की बात करेंगे हम लोग। जैसे ये मैंने राइट किया हुआ है, कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एटम अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल तो हम बात करेंगे कि ये कैटाइन है। और कोई भी ऐसा एटम जो कि लूज करे तो ये तो हो गया कैटाइन। जो कोई गेन कर रहा हो तो वो होगा एनाइन के फॉर्म में। एनाइन में हम लोगों ने गेन करवाना है और कैटाइन में लूज करवाना है। ये बेसिक डिफरेंसेस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कैटाइन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एनाइन में नेगेटिव चार्ज आएगा। कैटाइन में हम लोग लूज करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, और एनाइन में हम लोग क्या करवाएंगे, गेन करवाएंगे। मतलब उसमें दे रहे होंगे, इसमें हम लोग ले रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन, कि एटम के अंदर डिफरेंस क्या है और आयन के अंदर डिफरेंस क्या है। आयन में तो हम लोगों ने यही बात कर ली कि ये कैटाइन भी हो सकता है, ये एनाइन भी हो सकता है, और हमारे पास आयन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का, और ये हमारे पास फ्रीली नहीं पाया जाता। अगर हम एटम की बात करें तो एटम हमारे पास फ्रीली हालत में मौजूद होता है, फ्रीली और नॉट फ्रीली दोनों तरीके से पाया जा सकता है ये हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें अगर मॉलिक्यूलर आयन की, मॉलिक्यूलर आयन में भी वही बात आ जाती है, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि मॉलिक्यूल या तो लूज करवाएगा या फिर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और यही बात हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी कैटाइन और एनाइन में, कि या तो वो लूज करवा रहा था या फिर वो गेन करवा रहा था। अब लूज करवाने में इसमें फिर हम एक चीज़ भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि इसमें कैटाइन भी सैचुरेट करेंगे और एनाइन भी पाए जाएंगे, दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल हम कहते हैं दो एटम, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, ये दो एटम है, क्लोराइड अलग एटम है, हाइड्रोजन अलग एटम है, और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, सोडियम भी अलग है, क्लोराइड भी अलग है। मतलब कोई भी एटम्स, दो एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस सारे को हम एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर इनको अलग अलग हम लोग स्पेसिफाई करें, अलग अलग देखें, तो ये एक एक दो एटम है, मतलब एक एटम अलग है और एक एटम अलग है। मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इसमें लॉस करवाएंगे या फिर गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वह एक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। मॉलिक्यूलर आयन में हम लोग अगर गैसेस में देखें कि किसी भी गैसेस की बम्बार्डमेंट करें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पे, किसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पे, तो क्या होगा, आपके पास मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। मॉलिक्यूलर आयन में से हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन्स फॉर्म होंगे हमारे पास। फ्री रेडिकल है इसके बाद। फ्री रेडिकल में आप लोगों ने क्या करवाना है, कोई भी ऐसी फॉर्म हो आपके पास इस तरह की, तो ये हम लोगों को इसे देख के पता लग जाता है कि ये हमारे पास इसके ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल मौजूद है। मतलब ये जो चीज़ है ना, इस तरह का डॉट की जो साइन है किसी भी सिंबल के ऊपर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक पूरा वर्ड है, उसका सिंबल हम यूज़ करते हैं, सिंबल में हम लोग हाइड्रोजन राइट करते हैं। और जब हम हाइड्रोजन राइट कर रहे हैं और इसके ऊपर इस तरह की कोई डॉट फॉर्म आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फ्री रेडिकल है।
क्लोरीन है हमारे पास या क्लोराइड है हमारे पास, इसके ऊपर भी अगर ये फॉर्म आ रही है, यानी कि ये तो सिंबल है ना, फुल हमने वर्डिंग राइट नहीं किया हुआ, ये इसका सिंबल है क्लोरीन या क्लोराइड का, तो क्या है इसके ऊपर अगर डॉट फॉर्म आ गया है तो ये उसका फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल की हालत है ये, एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट पॉसेस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखें, हम ऑड की बात भी कर सकते हैं, हम अनपेयर की बात भी कर सकते हैं। यहाँ आप ऑड वर्ड कर लें या अनपेयर कर लें, मतलब आपके पास पेयर की सूरत में मौजूद ना हो, पेयर वो दो चीज़ें इकट्ठी ना हो, अनपेयर हो वो चीज़, या ओड नंबर में हो तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल है। जैसे ये अनपेयर है, इसको आप अनपेयर बोल लें, इसको आप ओड बोल लें, इट्स अप टू यू। फिर हमने कहा फ्री रेडिकल बनता कैसे है, ये तो सिंपल हमने बता दिया कि ये इस फॉर्म में होगा तो ये फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन के लिए ये है इसकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में ब्रेकेज हो बॉन्ड की बिटवीन टू एटम्स, कोई भी दो एटम्स की आपस में इक्वल ब्रेकेज अगर हो तो वो क्या बनाएगी, आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल निकलेगा या फ्री रेडिकल की फॉर्म होगी, फ्री रेडिकल बनेगा उसका। नेक्स्ट अब आप आ जाए मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल का मैंने आपको यहाँ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई भी दो एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने आगे इसकी देखनी है टाइप्स, के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट या बेसिक टाइप्स कौन सी हैं। टाइप्स में हमारे पास मोनोटॉमिक आ जाता है, हमारे पास डाईएटॉमिक आ जाता है, हमारे पास ट्राईएटॉमिक आ जाता है, पॉलीएटॉमिक, नेक्स्ट फिर हेटेरोएटॉमिक। अब मोनोटॉमिक में क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कंसिस्ट करेंगे ओनली वन एटम पे, यानी कि मोनो अपने नेम से ही शो हो रहा है, मोनो मतलब वन और एटॉमिक मीन एटम, यानी कि कोई एक एटम पे अगर ये चीज़ मुश्तमिल होगी, किसी एक एटम पे कंसिस्टिंग इसकी होगी तो वो आपके पास मोनोटॉमिक कहलाएगा, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में हीलियम आ सकता है, नियोन आ सकता है, आर्गन आ सकता है, क्रिप्टोन, आगे जितने भी हैं वो सब इसमें मोनोटॉमिक में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसकी मोनोटॉमिक की एग्जाम्पल के तौर पर वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायटॉमिक, इसको हम नेम दे देते हैं फर्स्ट का, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है डायटॉमिक। डायटॉमिक में आपके पास क्या होगा, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल कंसिस्ट कर रहे थे वन एटम पे, तो यहाँ मॉलिक्यूल कंसिस्ट करेंगे टू एटम्स पे, यानी कि डाई का मीन क्या होता है, टू, और एटम का मतलब क्या होता है, एटॉमिक, एटॉमिक या एटम, टू एटम्स, यहाँ टू एटम्स का माइन हो रहे हैं, मोनो में वन एटम का माइन हो रहा था, अब यहाँ टू एटम्स का माइन हो रहे हैं तो फॉर एग्जांपल में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, दो एच मिलके हाइड्रोजन बना रहे हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या किसकी एग्जांपल में आ जाएगा, डायटॉमिक एग्जांपल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें अब ट्राईएटॉमिक, ये भी अपने नेम से अच्छे से पता लग रहा है आपको, ट्राई में थ्री, तीन एटम मिलके क्या बनाएंगे, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन की पहले हमने बात कर ली, वो डाई था और ऑक्सीजन अलग था, जब ये आपस में कंबाइन हुए तो ये क्या बनाया, इसने ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल बना दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी इसकी थ्री, थर्ड टाइप, फोर टाइप पे हम बात कर रहे हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। पॉलीएटॉमिक यानी कि काफ़ी सारे, पॉली हम कहते हैं मैनी, बहुत सारे, काफ़ी सारे एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपके पास बेंजीन की फॉर्म आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें हम लिख देते हैं कि ये इसकी एग्जांपल है बेंजीन, क्लियर है। नेक्स्ट है अब होमोटॉमिक। होमोटॉमिक में सेम टाइप्स के एटम्स मिलके कंबाइन होके क्या बनाते हैं, होमोटॉमिक की टाइप बनाते हैं, होमो और हीट्रो। हीट्रो में हम कह देते हैं, हीट्रो वर्ड यूज़ करते हैं डिफरेंट के लिए, होमो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम सेम चीज़ों के लिए, सेम थिंग के लिए। अब होमो की एग्जांपल होगी हाइड्रोजन है, ओजोन है, सल्फर है,
मतलब ये क्या है, ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं। और हीटरोटॉमिक में क्या है, डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, डिफरेंट तरह के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। वाटर में ऐसे ही है, आगे फिर अमोनिया है, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल आ जाएंगी, हीटरोटॉमिक की। यहाँ हम लोगों ने 4-5 इसकी डिस्कस कर ली मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल होता क्या है और उसके आगे नेक्स्ट टाइप्स क्या हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 पेपर्स में आपके पास अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से रेडी कर लें। नेक्स्ट आ जाएं इस साइड पे, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोल क्या होता है, फिर नेक्स्ट उनकी केमिकल कैलकुलेशंस क्या होती हैं। आपको पता है सब्सटेंस में हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। एक सब्सटेंस हम लेते हैं, उसको हम एटम की फॉर्म में भी लेते हैं, उसको हम आयन की फॉर्म में भी ले सकते हैं, और नेक्स्ट वो मॉलिक्यूल में भी चेंज ऐसे। अब ग्राम एटॉमिक मास है, किसी भी एटॉमिक मास को अगर आप एक्सप्रेस करें ग्राम की फॉर्म में तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल है, आपके पास डिफाइन आपने राइट करनी है ग्राम एटॉमिक मास की। किसी भी एटॉमिक मास को जब हम रिलेट करेंगे या जब हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम की सूरत में तो वो क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा वो। और ग्राम एटॉमिक मास में हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को देखें तो वो क्या होगा, 1.008 ग्राम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर है। अब है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आपने क्या करना है, किसी भी मॉलिक्यूलर मास को जब आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को जब आप ग्राम की सूरत में देख रहे होंगे, थोड़ा सा रेज हो गया था, किसी भी ग्राम की सूरत में जब हम देख रहे हों तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हम किसका ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन का, ये सॉरी कार्बन का था, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, 2.0 ग्राम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अब हमने देखना है पहले हम फॉर्मूला मास को देखें, किसी भी फॉर्मूला मास किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एटम के अगर हम फॉर्मूला मास को देख रहे हैं ग्राम में तो वो हमारे पास क्या आएगा, ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड का आपको पता है एटॉमिक मास वगैरह को आप कंबाइन करें तो वो 58.5 ग्राम बनेगा 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर सिंपल आप याद करते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 ये होता है एवोगैड्रो नंबर। इस पे एक ही नंबर आता है और वो ये है, हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स की, वो क्या कहलाएगी, एवोगैड्रो नंबर कहलाएगी। ये मोल, मोल को भी हम डिस्कस करते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ ही, मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी सारा रिलेट करता है एवोगैड्रो नंबर के साथ। अब मोल है, मोल की अगर हम सिंपल डिफाइन लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की ऐसी अमाउंट जो कि कंटेन हो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे तो वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। अब आप देख भी रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर और मोल आपस में रिलेट कर रहा है, कि जहाँ अगर हम एवोगैड्रो नंबर ले रहे हैं मोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोल में भी हम उसी नंबर के साथ इसका कनेक्शन है, उसी नंबर के साथ उसी नंबर पे कंटेन कह सकते हैं, वो हो सकता है वो। अब केमिकल कैलकुलेशन है, केमिकल कैलकुलेशंस में नंबर ऑफ मोल्स है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज़ के देखना चाह रहे हैं तो हमें पहले नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का नाउन मास पता होना चाहिए, फिर उसका मोलर मास सब्सटेंस का पता होना चाहिए, तो उसको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब ये नंबर ऑफ मोल्स जब हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी केमिकल कैलकुलेशन, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में सारी केमिकल कैलकुलेशंस ही हैं, तो वो आप देख सकते हो कि आप लोगों ने किसी भी सब्सटेंस का वे कैसे करना है, वेट करके आपके पास कितने उसके एटॉमिक मास बनेगा, कितना उसका एटॉमिक मोलर मास बनेगा, वो सब करके कैलकुलेशन में आपके पास ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है, केमिकल कैलकुलेशन में। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारे पास ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है आपने फॉलोइंग को, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और HCl है। इसमें से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, यहाँ मैंने आपको ये चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दी है
कि ये टाइप्स हैं आपके पास, आपने जस्ट बताना है कि इसमें डायटॉमिक कौन सी है, ट्राईटॉमिक कौन सी है, पोलियोटॉमिक कौन सी है, जस्ट आपने डिस्टिंग्विश करने हैं इन सारे मॉलिक्यूल्स में से, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।